खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव, आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। गहलोत सबसे सुपर नेता है, गहलोत कलयुग के भगवान है, गहलोत हमारे नेता हैं और रहेंगे। आज दिन भर कुछ इन्हीं बयानों की चर्चा रही। ये बयान देने वाले न केवल गहलोत समर्थक विधायक हैं, बल्कि पायलट कैंप के भी विधायकों ने आज अपने श्रीमुख से ऐसे ही जुबानी फूल बरसाए कि कांग्रेस के अंदर खाने की राजनीति को लेकर बयानबाजी करने वाले नेताओं को भी झटका सा लगा। इन बयानों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, निकाले भी जाएंगे, क्योंकि अचानक इस तरह से एक के बाद एक नेताओं का सामने आना और गहलोत के समर्थन में बयान जारी करना सियासी गलियारों में गहलोत शरणम गच्छामी के रूप में देखा जा रहा है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। सचिन जी पायलट को नेता मानता हूँ, अशोक जी गहलोत उनसे सुपर हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनको नेता तो मानना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा, नेता है। और सचिन जी को भी उनको नेता मानना पड़ेगा। हमारे कलयुग के आज के भगवान अशोक गहलोत जी हैं राजस्थान के। मेरे नेता अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत रहेंगे, हम सबके मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत जी हमारे पहले भी नेता थे, मैं पिछली बार सरकार में था, हम सरकार में उनके साथ, तब भी हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता हैं। और अशोक गहलोत जी हमारे फ्यूचर में हमारे नेता रहेंगे। 50 साल में जितना विकास नहीं हुआ, जितना 2.5 साल में विकास हुआ, वो आदरणीय अशोक गहलोत जी की मेहरबानी है। शायद 50 सालों में इतने काम नहीं हुए जितने अब की बार हुए हैं। प्रदेश के मुखिया लगातार काम करने में लगे हुए हैं। और चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हैं, कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हमारे साथ, साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रफीक खान जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सर, अभी कुछ बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है कि कैसे कैसे बयान आज दिन भर सुनने को मिले हैं, वो आपने भी सुना। सुर कई लोगों के पिछली बार भी वही थे और बदले, और इस बार भी वही है कि अशोक गहलोत हमारे नेता है, रहेंगे। कुछ ऐसे थे जिनके सुर पिछली बार कुछ और थे और अचानक सुर बदल गए, वजह क्या रही वो जरूर समझना चाहेंगे। यानी ये माने कि इकलौते नेता अब जो है प्रदेश में अशोक गहलोत ही है, जो बार बार कहा जा रहा था, और कांग्रेस के भी जो बागी थे, जो नाराजगी थी, वो सब मिट चुकी है। देखिए श्वेता जी, ऐसा है कि पार्टी में जब एक का संगठन में जब लोग बाग आपस में बात करते हैं और मिलते हैं, तो थोड़ी बहुत नाइत्तफाकियां हो सकती है, लेकिन इसमें ये कहीं बात नहीं है कि इसमें कोई लीडरशिप की या किसी तरीके की बात है। कोई किसी भी लीडरशिप को चैलेंज नहीं कर रहा है। लीडरशिप राजस्थान में, राजस्थान के सर्वमान्य नेता, हमारी पार्टी के चीफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी हैं। और मैं एक बात कह सकता हूं, आप इस बात से एक बात का अंदाजा लगाओ कि एक बीजेपी का विधायक, गोदारा जी सुने ही बात ने, बीजेपी का विधायक एक चिट्ठी लिखता है और ये लिखते हैं कि सारी बात सुनो, 2.25 करोड़ से एमएलए लेट 5 करोड़ रुपए किया जाए, और 5 करोड़ रुपए करने का प्रपोजल बीजेपी के लोगों से आता है कि साहब इनका एमएलए लैंड की संख्या बढ़ा दी जाए, उसका इंक्रीज कर दिया जाए अमाउंट। और मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों द्वारा दिए गए प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सारा सदन ध्वनि मत से उनकी तारीफ करता है, उनको मानता है। मैं एक बात कह सकता हूं कि इससे बेटर नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिल सकता जो राजस्थान की असेंबली में देखने को मिला। और हमने, हमारी जनरेशन ने, गोदारा जी हमारे जो नए एमएलए, हम आप जैसे मेरे जैसे लोग बाग आए हैं, और जो पिछले 20-30 सालों से हम राजनीति को देखते आ रहे हैं, हमने महात्मा गांधी को नहीं देखा, लेकिन आज की दुनिया में गांधी के विचारों पे अनुसरण करने वाला अगर कोई नेता न केवल राजस्थान में, पूरे देश में और पूरे दुनिया में कोई है, तो वो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी हैं। और इस बात में कोई मतभेद नहीं है, ठीक है, ये सारे दल के लोग बाग मानते हैं। हाँ। बीजेपी के भी लोग बाग मानते हैं, कोई दबे मन से मानता है, कोई पर्दे के पीछे, ठीक है, सब मानते हैं, आपने भी माना और आप भी यही बात कह रहे हैं, ठीक है, मन बदला। लेकिन एक बार सुमित गोदारा जी का भी रिएक्शन ले लें, क्योंकि उन्होंने आपकी भी बात सुनी। सुमित जी, आपने सुना कांग्रेस दो खेमे में बटी है, अलग अलग विधायकों के विचार है, बहुत सारे ऐसे बयान थे जो बीजेपी की तरफ से आते रहे, लेकिन सुर बदल चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, अब अंतर मन से आवाज आ रही है, कोई और वजह हो वो तो ये विधायक ही जाने, लेकिन आज दिन भर जिस तरह की बयानबाजी का दौर रहा है उसे लेकर आपका रिएक्शन।
श्वेता जी, मैं जो अनेक विधायकों के जो आपने अभी स्टेटमेंट्स बताए कि 50 साल में ऐसा काम नहीं हुआ जो अभी हुआ, बिल्कुल सही कहा, 50 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान की सरकार वर्चुअल चल रही है। 1.5 साल से राजस्थान का मुखिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अपने रेजिडेंट CMR से बाहर नहीं निकले हैं, अपने CMO ऑफिस तक नहीं गए हैं। आप सिर्फ सुजानगढ़ चुनाव में और एक बार दिल्ली गए हैं। सुमित जी, कोविड महामारी है और इसके मद्देनजर मीटिंग सोन लेना काम होना ज्यादा जरूरी है ना सुमित जी? मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकलेगा, सुमित जी बाहर निकलने से क्या होगा? बाहर निकल जाए मुख्यमंत्री, काम ना हो तो वो तो ज्यादा सवाल खड़े करता है। एक बात बताइए श्वेता जी, सुमित जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। आप यदि फील्ड में नहीं जाए, आपका पत्रकार फील्ड में नहीं जाए, क्या सब चीज वर्चुअल होगी? क्या सब चीज डिजिटल होगी? आपको जमीन पे जाना पड़ेगा, जमीन पे काम करना पड़ेगा। राजस्थान की जनता ये जानना चाह रही है कि 29 अप्रैल को जो मुख्यमंत्री का कोविड से इफेक्टेड हुआ, ठीक है सुमित जी, चलिए ठीक है, ठीक है आपने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे तो प्रदेश की जनता जानना चाह रही है, प्रदेश के अलग अलग जिलों के प्रभारी बनाए गए, प्रभारी फील्ड पर जा रहे हैं, वहां से फीडबैक दिया जा रहा है, वर्चुअल मीटिंग के जरिए निर्णय होते हैं सर, ये तो कोई मुद्दा नहीं बनता सुमित जी की मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल रहे, फील्ड में नहीं जा रहे, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, आप दोनों तरफ करेंगे। आशुतोष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी, देखिए इन सबसे इतर जो अभी इन लोग बातें कह रहे हैं, लेकिन आज दिन भर जो कुछ हुआ इसके बाद एक बात तो नजर आती है और एक सवाल भी उठता है। देखिए कई तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्या वाकई में अंतर मन से सबकी आवाजें निकल रही हैं या फिर ये तब तक के लिए सबको नजर आ रहा है कि गहलोत शरणम गच्छामी जब तक की राजनीतिक नियुक्तियां या मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार नहीं होता, या उसके बाद की यही बयान कुछ और हो सकते हैं? श्वेता, इसमें अपने को एक साल पहले जाना पड़ेगा कि कांग्रेस सरकार में जो भी असंतुष्ट गतिविधियां चली एक साल पहले सचिन पायलट के नेतृत्व में चली, उनके पास भी कुल मिलाकर 19 विधायक थे, और आज जो हम नज़ारा देख रहे हैं उन 19 में से कितने विधायक कम हो चुके हैं। तो अब जो सबसे ज़्यादा वोकल विधायक इनके हैं, जो वेद प्रकाश सोलंकी, उन्होंने भी जो आज इस तरह का स्टेटमेंट दिया है उससे स्पष्ट है कि ये लोग जो असंतुष्ट गतिविधियां चला रहे थे, जितना भी इनका कुनबा है 5 का 7 का 10 का, वो अब एक तरीके से सरेंडर हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले साल और इस साल के बीच में जो समय गया और जो रिसेंटली जो बयानबाजी आ रही है उससे एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि नेतृत्व को लेकर के कोई संकट नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सभी विधायक इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हमें कोई समस्या नहीं है। अब जो लोग विधायक हैं, असंतुष्ट विधायक हैं या बसपा के समर्थन देने वाले विधायक हैं, वो केवल एक अपनी हिस्सेदारी के लिए, कुछ लोग असंतुष्ट गतिविधियों के रूप में सामने आ रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन का ऐलान करके सिर्फ अपनी सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, ये मुझे महसूस हो रहा है। अब जहाँ तक बात है असंतुष्टों की, तो आप देखिए कि पहले विश्वेंद्र सिंह ने, जो एक प्रमुख नेता थे पायलट धड़े के, उन्होंने 7 दिन पहले ये कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है मेरे नेता हैं। उसके बाद में आज भंवरलाल शर्मा ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आलाकमान ने उन्हें बनाया है, न केवल वो मेरे नेता हैं बल्कि सचिन पायलट के भी वे नेता हैं। तो स्पष्ट हो गया, पहले इंद्रराज गुर्जर थे हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की, और दूसरे जो पृथ्वीराज मीणा है उन्होंने भी तारीफ की। ये बात और है कि उन्होंने बाद में तुरंत उस बात को पलटा कि नहीं, सचिन पायलट भी हमारे नेता हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं है, उनकी सरकार को कोई संकट नहीं है, उनके समर्थन में कोई कमी नहीं है। अब ये जो असंतुष्ट गतिविधियां जिन्हें सिर्फ बयान के आधार पर चलाया जा रहा है, आप देखेंगे कि दिल्ली ये लोग गए या सचिन पायलट दिल्ली गए हैं, बार बार बात हो रही है कि समझौता पूरा नहीं किया जा रहा है। भाई आप समझौता, यदि कौन सा समझौता हुआ है, पहले आप जब जनता में यदि बयान दे रहे हैं तो उस समझौते को सार्वजनिक करिए कि आपसे क्या वादा किया गया था। तो सिर्फ बयानबाजी देने से मैं समझता हूं कि केवल कांग्रेस को एक ये नुकसान पहुंचाने का या सरकार के बारे में एक गलत छवि बनाने की कोशिश है, इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जनता में एक मैसेज इस तरह का जा रहा है कि ये असंतुष्ट गतिविधि चल रही है, असंतुष्ट गतिविधि चल रही है। कुल मिला के 5-7-10 लोग हैं जो सिर्फ एक एक बयान की सुर्खी छोड़ते हैं, उसके अलावा अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। रफीक खान जी, देखिए
अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती। चलिए अच्छी बात है, कल तक जो खिलाफ थे और आज वो साथ हैं और बोल रहे हैं कि उनके नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, लेकिन नंबर में कोई सवाल नहीं उठता कि फिर से ऐसा कुछ होने हो सकता है जो एक साल पहले हुआ था। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा या बीएसपी से जो कांग्रेस में आए हैं विधायक, उन लोगों ने भी बैठक की, इसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें वो कहते हैं कि अगर हम साथ नहीं होते, हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वरना तो एक साल की पुण्यतिथि हो गई होती सरकार की। जब इस तरह के बयान आते हैं तब सवाल उठता है कि क्या ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है? मंत्री पद किसी को चाहिए भी नहीं, इस खुले तौर पर बोलते हैं और इनडायरेक्टली इस तरह की बातें भी आती हैं कि प्रेशर क्रिएट हो। देखिए ऐसा है कि कोई प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है और कोई असंतोष नहीं है, पूरी पार्टी एकजुट है। ये कर्नाटक नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये मणिपुर नहीं है, कि ये पांडिचेरी नहीं है कि सरकार तोड़ लेंगे, एमएलए तोड़ लेंगे, ऐसे काम कर देंगे, वैसे काम कर देंगे। ये राजस्थान है, वीरों की धरती, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कुछ नहीं होगा इनके करने से। ये सब बातें बनावटी बातें हैं, कोई दम नहीं है इन बातों में। राजस्थान की सरकार कौन कर रहा है? गहलोत जी हमारे नेता हैं, आपके पार्टी के स्टेटमेंट आ रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, आप लोग ही कर रहे हो। किसी तरह की कोई बात नहीं है, किसी तरह का कोई मामला नहीं है, किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है। कभी कभी परिवार में क्या होता है कि जब आप कोई पांच काम करते हो तो दो काम किसी के होने से रह जाते हैं या किसी की कुछ बात रह जाती है तो उसके रिएक्शन आ सकते हैं। अभी तो हमें ये जो समय है वो इस तरह की राजनीति करने का नहीं है। डेल्टा वेरिएंट कोरोना महामारी का आ रहा है, ठीक है रफीक जी, लेकिन वही बात है कि जब कोरोना के आप जब कोरोना पीक पर होता है तब कुछ नहीं होता है सर। हो जाए, जब कोरोना पीक पर होता है तब कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो डाउनफॉल शुरू होता है थोड़े अच्छे दिन लगते हैं कि अब मामले ठीक हो रहे हैं, लड़कर के राजस्थान ऐसे राजनीति संक्रमण यहां पर फैलने कि हम वैक्सीनेशन के बाद में पहले स्थान पे हैं। सुमित जी, ये दूसरे राज्यों का जो उदाहरण दिया गया है, बीजेपी पर ही सवाल था, ये रफीक जी का इशारा था कि बीजेपी कितनी भी कोशिश करे टूटने वाला नहीं है, सरकार को कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान सब एकजुट है। रफी श्वेता जी, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो वाक्य आ रहे हैं, वो कांग्रेस के विधायकों के आ रहे हैं, बीजेपी इस परिदृश्य में कहीं है ही नहीं। लेकिन फिर भी कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठाती है। कांग्रेस के विधायक रोज नए नए स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि पिछले ढाई साल से मैं श्वेता जी एक बात आप सुनिए, श्वेता जी आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आप कोविड का देखने गाँव में गए, बढ़िया लगा। आप ये भी पता करते हैं युवाओं से कि ढाई साल में रीट की परीक्षा बार बार आगे हो रही है, युवाओं का क्या हाल है, बेरोजगारों का? बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि वर्चुअल मुख्यमंत्री है, वर्चुअल सरकार जो चल रही है, जो सिर्फ घरों तक कैद हो रही है, बाहर नहीं निकल रहे। अरे जवाब दो बेरोजगारों को, दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था आंको तारा बोर्ड को, दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, जवाब दो। सड़कों के ऊपर विरोध करोगे आप, ये जिस तरह रोज स्टेटमेंट बदल रहे हैं ना, आप भी सबसे ज्यादा विरोध करोगे, आप सबसे ज्यादा आप विरोध करोगे सरकार का। नहीं रोजगार डेवलप किए, किस बात का? वैक्सीनेशन तक नहीं दे पाया दिया रोजगार आपने जनाब, आप अपने राजस्थान की बात करिए, युवा इंतजार कर रहे हैं आपके लिए, बेरोजगार भत्ते की बात कर रहे हैं, किसान अपने ऋण माफी की बात कर रहे हैं, आप ले देकर अपनी सरकार अपने के अशोक गहलोत के गीत गा रहे हो। काम करो, काम के गीत गाओ कि हमने ये काम करके दिखाया, ये गीत मत गाओ कि हमारे मुख्यमंत्री वो अच्छे हैं। अरे काम करो, जनता अपने आप आपको अच्छा बताएगी। पर जिस तरह वर्चुअल आपने राजस्थान चलाया, राजस्थान की जनता वर्चुअल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं वर्चुअल जवाब देने के लिए तैयार है। सुमित जी, सुमित जी बार बार आप एक ही बात बोल रहे हैं कि वर्चुअल चल रही है सरकार, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, डिसीजन तो वर्चुअल लिए जा रहे हैं, बैठक वर्चुअल हो रही है ना, काम तो ग्राउंड पर होगा, वर्चुअल काम तो नहीं हो सकते, निर्देश ही हो सकते हैं काम के। अच्छा सुमित जी, इसको सर एक मुद्दा बनाना, ये तो वजह नहीं लगता। राजा वो है तो आपके पास आके बोल रहे हैं क्या? राज धर्म कहता है प्रजा के बीच में जाए। आज डेढ़ साल से मुख्यमंत्री सीएमओ में बंद है, सीएम आर में पॉजिटिव होते हुए का डर है, वो अब प्री कोविड पोस्ट कोविड की क्या बात कर रहे हैं?
पॉजिटिव होकर के इलाज के लिए बैठे हुए दो महीने और यदि उनसे नहीं संपर्क तो दूसरे को दे वो के तबीयत खराब है राजस्थान पीछे थोड़ी जाएगा राजस्थान के पीछे दूसरे बड़ा इतिहास में दो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा आदमी पैदा हुआ जनता को संभालिए और जिन्होंने हाल में तरीके से क्राई त्राई कर रही है अपनी जनता परेशान हो चुकी है। ठीक है सुनिए जी रफीक जी देखिए होते हुए भी ठीक है आप ये तो मान रहे हैं कि कांग्रेस में सब एक साथ हो रहे हैं नाराजगी दूर हुई है साथ के लोग हैं नाराजगी हो सकती है लेकिन एकजुट है जिस तरह से बयान आए लेकिन दूसरी तरफ अब काम को लेकर या वर्चुअल सरकार चल रही इसको लेकर आप बयान दे रहे इस पर भी रिएक्शन आशुतोष जी से लेंगे कि आखिर मौजूदा स्थिति में कितने काम होते हैं कि विपक्ष होने के नाते आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार बयान दिन भर आते रहे जो दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कोई नहीं है साथ है एक ही नेता है अशोक गहलोत लेकिन इसके अलावा भी बीजेपी की तरफ से भी कई तरह के बयान यहां पर आ रहे हैं और आशुतोष जी अभी हम ब्रेक में जाने से पहले आपने सुना सुमित जी और रफीक खान जी काम को लेकर वर्चुअल मीटिंग को लेकर वर्चुअल सरकार चलने को लेकर भी सवाल यहां पर उठा रहे थे लेकिन मौजूदा समय में अभी जरूरत किस चीज की है वो आप बताइए। देखिए श्वेता इस समय पर कोरोना की जो बड़ी भयंकर लहर से हम गुजरे हैं अब थोड़ी लहर कम पड़ी है तो उसमें वर्चुअल मीटिंग हो या कोई भी ओपन मीटिंग तो हो ही नहीं सकती वर्चुअल कामकाज करने से लेकिन मेन बात है कि लोगों को रिलीफ मिले लोगों को समय पर दवाई मिले ऑक्सीजन बेड मिले ऑक्सीजन का इंतजाम हो और जो गरीब तबका है उसको रोजी रोटी का कोई संकट नहीं हो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो वर्चुअल मीटिंग है उस पर सवाल उठाने का कोई भी प्रश्न नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार बीजेपी वाले प्रश्न उठा रहे हैं तो केंद्र सरकार में भी कोई दौरे नहीं कर रहा है वो वर्चुअल है वो समय की मांग है मजबूरी है। जहां तक रफीक खान जी ने कहा कि यहाँ पर कर्नाटक नहीं है या मध्य प्रदेश नहीं है तो ये बसपा वाले कहाँ से कांग्रेस में आ गए इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि बसपा वाले आ गए बसपा अब कांग्रेस में विलय हो चुकी है और अब बसपा के लोग अभी भी ग्रुप बना करके मीटिंग कर रहे हैं अलग से मीटिंग कर रहे हैं और गद्दार और वफादार की बात कर रहे हैं हालांकि उस समय उन्होंने कहा कि हम बिना शर्त सरकार में शामिल हो रहे हैं सरकार को स्थायित्व देने के लिए राजस्थान में स्थायित्व देने के लिए शामिल हो रहे हैं तो अब ये कि विस्तार होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपके नेता हैं अशोक गहलोत और वो जब करेंगे जब उनका प्रेरोगेटिव है कि वो करें ना करें तो इस तरह से मीटिंग करके और फिर मांग करना कि ये होना चाहिए ढाई साल तो निकल गए फिर बचेगा क्या तो ये अपने आप में एक प्रेशर टैक्टिक्स है जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ विरोध से और कुछ जो है वो झंडा उठा करके सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और बसपा के जो ग्रुप ने किया वो इसी लिहाज से देखा जाना चाहिए और उन्होंने तो जो निर्दलीय सरकार के समर्थक हैं उनका भी दावा दरकिनार कर दिया और वो ये बिल्कुल एक एहसान जता रहे हैं कि सरकार को स्थायित्व तो हमने दिया है पहला हक तो हमारा है बिल्कुल और ये भी कहते हैं कि निर्दलीय से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं कि आप उसकी तुलना कीजिए। रफीक जी अभी आपने कहा किसी तरह की कोई प्रेशर टैक्टिक नहीं है तो फिर ये बता दीजिए अगर कांग्रेस में साथ गए हैं तो अगर साथ ही आना है तो क्यों बार बसपा के विधायकों की जो आए हैं कांग्रेस में उनकी अलग मीटिंग होती है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एक स्वर में एक बात कहते हैं। कल तक राजेंद्र कुड़ा ये कहते हुए नजर आते थे कि हमने ही बचाया वरना पुण्यतिथि हो जाती और एक तरफ दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम तो साथ हमारे नेता अशोक गहलोत ही करना क्या चाह रहे हैं कहना क्या चाह रहे हैं क्या मैसेज देने की कोशिश रफीक जी ये देखो आज आप सवाल उठा रहे हो ये आज जब इस तरह का माहौल हो रहा है और ये आज सवाल उठ रहा है जबकि ये तो राजेंद्र गुड़ा जी को सब जानते हैं वो तो सब बातों पे हंसी मजाक करते रहते हैं असेंबली में भी करते हैं बहुत से कमेंट बीजेपी को लेकर के भी करते हैं तो उसको और पास मकान में बैठ के अगर आदमी चाय पानी पी ले बात कर ले तो कोई मीटिंग का कोई मतलब नहीं है और ये कोई आज पहला इंसिडेंट नहीं है कि ये एक साथ मुख्यमंत्री जी से मिले ये एक साथ इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी तो उनकी आपस में प्रगाढ़ता तो है ही ना कोई एक एक करके तो ज्वाइन किया नहीं इन्होंने एक साथ ज्वाइन किया उसी को कायम रख रहे हैं सवाल क्यों उठा रहे हो अच्छा जब उन्होंने एक साथ पार्टी पे जो पार्टी ज्वाइन करी तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में मित्र हैं साथ में साथी हैं और साथ में आज कांग्रेस के हमारे आदरणीय विधायक हैं तो कोई किसी तरह की कोई बात इस पे संशय होना नहीं चाहिए इस पे किसी तरीके की बात संशय होना नहीं चाहिए नहीं लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं कि ढाई साल तो निकल गए कहीं ढाई साल तो निकल गए हैं तो वो ये बात क्यों कह रहे हैं जो बिना शर्त आए कहने का अधिकार है और
क्या क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ढाई साल तो निकल गए। क्या ढाई साल का क्या सवाल कर रहे हैं? सरकार को ढाई साल हो चुके, ढाई साल हर बात का जवाब दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी जवाब देता हुआ बच्चों का। बिल्कुल रफीक जी, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, ढाई साल वो ये बयान देते कि ढाई साल तो बीत गए, ढाई साल बचा है सरकार के कार्यकाल का, वालों ने उठाया फिर क्यों, फिर बसपा वाले क्यों, जबकि किसी तरह की कोई शर्त या किसी तरह की कोई बातचीत या कोई हुआ नहीं था कि आप आइए आपको हम क्या पद देंगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। समझो जी, एक बात ये समझो जी, एक बात सारी दुनिया को मालूम है, सारी दुनिया को ये मालूम है कि डेढ़ साल का समय कोविड जैसी महामारी से लड़ते लड़ते गुजर गया। पहले इसका एक रूप आया जो पहला वेरिएंट था इसका, फिर डेल्टा आया, ये जो दूसरा वेरिएंट आया इसका, वो दूसरा वेरिएंट डिफरेंट देशों में आया, लेकिन उसका सबसे खतरनाक रूप हिंदुस्तान में था, लेकिन उसमें अगर सबसे बेस्ट मैनेजमेंट किसी स्टेट का हुआ तो राजस्थान का हुआ। सारी असेंबली को और सारे विधायकों को पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सभी विधायकों को करे बगैर विधायकों को सोचना चाहिए, या ना कि डेढ़ साल और ढाई साल का यहाँ पर बात रखनी चाहिए। सुमित गोदारा जी यहाँ बैठे हैं, सुमित गोदारा जी इसीलिए बैठ पाए हैं कि कोविड का प्रबंधन बहुत अच्छा हुआ। ठीक है रफीक जी, तो ये और हम भी कोविड से ग्रस्त होकर के घरों में बैठे हैं। सुमित जी और कोविड में होने के बाद ये नहीं दिखते, एक आदमी नहीं दिखा बीजेपी का। ठीक है सुमित जी, तो बोलने दीजिए। ठीक है रफीक जी, ठीक है रफीक जी, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक सुमित गोदारा जी, सुमित गोदारा जी, उन्होंने वीसी करी, राजेंद्र कुड़ा जो कहते हैं उनकी हंसी मजाक की आदत है, तो क्या इन बयानों को भी हंसी मजाक में लिया जाए, नजरअंदाज किया जाए? काम में पॉजिटिव होना ही है रफीक जी। रफीक जी सुनिए, रफीक जी हाँ, रफीक जी की बयान पॉजिटिव होना ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सीखवा। ठीक है ठीक है सुमित जी, रफीक जी आप चाहे कितना ही गीत गाओ मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी आपको मंत्री नहीं बनाएंगे, पहली बात तो मैं कह चुका हूं आपको, आप कितनी बार कह चुका हूं, आप गीत गाते रहो। और दूसरी बात श्वेता जी मैं कहूंगा, ये कह रहे हैं कि रास्ता ने अच्छा काम किया, मैं कहना चाहूंगा इनसे पूछना क्या उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दिया कि ऑक्सीजन राजस्थान में सप्लाई हुई, रेमडेसिविर सप्लाई हुई और वैक्सीन सबसे ज्यादा राजस्थान में सप्लाई, क्या इन्होंने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी का? और दूसरी बात मैं ये कहूँ श्वेता जी, जब ये बार बार ये बात कह रहे हैं राजेंद्र गुड्डा मजाक करते हैं, ये मजाक ही बना रखा है इन्होंने पूरे विधायकों का, पूरी सरकार का, कांग्रेस सरकार ने, आप देखिए जिन लोगों ने इनका साथ दिया, ये कह रहे जो साथ आए उनको अशोक गहलोत जी ने प्रलोभन दिए कुछ ना कुछ, प्रधानमंत्री जी ने रोजगार का वादा किया था के लिए हमें प्रलोभन दिया, क्या हमें कुछ ना कुछ वादा? लेकिन लेकिन सुमित जी ये कांग्रेस को नहीं पता, लेकिन क्या बीजेपी को पता है कि प्रलोभन दिया गया इसलिए ये सामने आ रहे हैं? राजस्थान में किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? राजस्थान में मंत्री किस आधार पर ये कह रहे हैं कि प्रलोभन दिया गया है इसलिए आ रहे हैं? यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रलोभन के बाद ही कर रहे हैं? बात आ गई है, बात आ गई है, बात आ गई है प्रलोभन वाली, हम क्या करेंगे मन के? ये बात कहां से आती है? इस बात का जवाब दो आप, प्रलोभन आपकी के मुख्यमंत्री ने दिया उनको, कहां से आया आपके मन में विचार? कैसे आया धारणा इतना सुगम विचार आपके मंत्री ने एकदम से? कैसे आया? आपको भी दिया, ठीक है। और आप, मैं श्वेता जी ये पूछना चाहूंगा आपके से माध्यम से कि राजस्थान में इतने मंत्रालय पद, मुख्य पद, आप देखो से ग्राम मंत्री का पद खाली, किलोड़ी मंत्री खाली, ग्राम पंचायत राज विकास जो हमारे ग्रामीणों की बोला गया ना, बोला गया कि थोड़ा और सारे थोड़े वक्त के बाद इन सभी पदों को भरा जाएगा, पूछ रही है कम से कम मंत्री। लेकिन दोनों चीज तो एक साथ नहीं होती कि कोविड का प्रबंधन भी हो, इंतजाम भी हो, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी हो, इतना जरूरी है लगता नहीं शायद? यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं घर में जाग रहे हो, सब काम कर सकते हैं, आप अपने घर में जाग के देखो तो सारे मंत्रियों को घर में जाग के देखो, आपका प्रदेश अध्यक्ष दूसरी पटरी पे, ठीक है। चलिए क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहिए आशुतोष जी। देखिए एक बात है आशुतोष जी, जो एक्सपर्ट्स या जिस तरह के विश्लेषक करके ये बोल रहे हैं, उनका कहना ये है कि अभी पहले हमने देखा था कि जो पायलट गुट के हैं, जो विधायक जो उनके साथ हैं, अभी भी उनके साथ हैं, वो किस तरह के बयान देते हैं, इसके बाद फिर एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान आना, कहा ये भी जा रहा है कि डायरेक्टली ऐसा कहा गया करने के लिए, या वाकई में ये इनके अंतर्मन की आवाज, और आपको लगता है कि जो कह रहे हैं इस पर, इस बात पर, अपने बयानों पर ये सभी लोग कायम रहेंगे आगे भी नजर आता है, या फिर आने वाले वक्त में कुछ और सुनने को मिलेगा? देखिए श्वेता, एक साल पहले असंतुष्ट गतिविधियां चली, उसके बाद अपन ने देखा कि कोरोना का प्रहार हुआ, एक साल पूरा कोरोना में चला गया, फिर शायद गतिविधियां बढ़ती, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आ गई, और कोरोना की लहर दूसरी लहर कम होते ही असंतुष्ट गतिविधियां बढ़ी, लेकिन अब जिस तरह के बयान
आ रहे हैं नेताओं के और कहीं से कोई समर्थन बढ़ नहीं रहा है असंतुष्ट खेमे का, तो उससे अब लगता नहीं है कि हाल फिलहाल में असंतुष्ट गतिविधियां कहीं आगे बढ़ेगी, बल्कि एक तरीके से इनका विराम मानना चाहिए। नहीं तो इनको 3 सदस्यीय कमेटी 2 सदस्यीय कमेटी कांग्रेस आला कमान की तरफ से वहां से भी कोई कॉल नहीं आया है और न यहाँ पर कोई असंतुष्टों का कुनबा बढ़ रहा है, बल्कि जो असंतुष्ट खेमे के लोग थे वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपना समर्थन जता रहे हैं। तो अभी फिलहाल नहीं लगता, लेकिन ये बात जरूर है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार का मामला है वो 2.5 साल लगभग हो चुका है, मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार भी अभी नहीं हुआ है और कई मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री के पास भी हैं, कुछ मंत्रियों के पास भी 2-2, 3-3 मंत्री बड़े बड़े मंत्री विभाग हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार हो। राजनीतिक नियुक्तियों की जहां तक बात है वो तो अभी चल रही है, अभी कल भी हुई है, पहले भी हुई है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का मामला जो स्पष्ट दिख रहा है वो मुख्यमंत्री का पूरा विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तब करेंगे, उचित समय होगा तब करेंगे, लेकिन किसी के दबाव में कोई मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए इतना तय है कि जिस तरह के बयान आए हैं वो सब दर्शाते हैं कि पूरी तरह से भरोसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर है, जो भी वो फैसला लें। मंत्री पद की हमें दरकार नहीं है, लेकिन जो वफादारी हमने निभाई है उसका ख्याल रखें। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स से यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात है कि अगर ये सभी विधायकों का भरोसा मुख्यमंत्री पर है तो ये फैसला भी मुख्यमंत्री पर छोड़िए, अगर उन्हें लगेगा तो दे देंगे पद, नहीं लगेगा तो आप अपना काम करिए। जनता ने आपको चुना है, विधायक बनाया, तो कम से कम उसी आधार पर काम करिए, तो शायद ये पूरी लड़ाई खत्म हो जाएगी और बयान जिस पर कायम है वो आगे भी कायम रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है या सिर्फ वक्त के लिहाज से ऐसे बयान दे रहे हैं तो आने वाले वक्त में इन्हीं लोगों के जरिए कुछ और भी सुनने को मिल सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए, इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।